अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे थंबनेल पे क्लिक किया और आप आ गए हैं मेरी वीडियो में। तो अब जब आ ही गए हैं किस्मत से, तो ठहरिए ठहरिए, रुक जाइए, पूरी वीडियो देख के जाइएगा, क्या पता आपको वीडियो अच्छी ही लग जाए। तो अगर आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। अगर आप पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं तो भाई मैं हूँ ब्रेव क्वीन, और आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है जी। तो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम, मैं बना रही हूँ नाश्ता और ये है संडे का दिन। तो संडे को तो जाहिर है देर से ही उठा जाता है क्योंकि बच्चों ने स्कूल नहीं जाना होता, तो भाई मॉम जो होती है ना वो तो देर से ही उठती हैं। तो भाई मैं भी आज देर से उठी हूँ, हम लोग उठे हैं 10 बजे। तो अब्दुल्ला ने सुबह उठते ही शोर मचा दिया कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, तो मुझे अभी फ़ौरन से नाश्ता दो। तो ऐसा होता है कि पहले तो हम लोग रात को ही आटा गूंद के रखते हैं कि जब हम सुबह सुबह उठें तो देर ना हो जाए रात को स्कूल के लिए, तो जल्दी से रोटी मैं बना लेती हूँ। लेकिन आज जो है ना रात को आटा भी नहीं बचा था, तो गूंदा हुआ आटा नहीं पड़ा था। हमने कहा चलो खैर है, सुबह तो संडे है तो सुबह भी आटा गूंद लेंगे तो आराम से रोटी बना लेंगे। लेकिन अब्दुल्ला ने तो उठते ही शोर मचा दिया, तो फिर मैंने कहा ठीक है अम्मी के साथ जाओ और नान लेकर आ जाओ, नान और चने और साथ में चाय मैं फ़ौरन से बना लेती हूँ, तो बस 10 मिनट में ही नाश्ता जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो आहद और फिर अम्मी गए जाकर नान ले आए और चने भी, आहद को बहुत पसंद है तो वो साथ चने भी लेकर आ गया। तो फिर मैंने जब तक यहाँ पे चाय भी बना ली, और फिर उसके बाद नान को ऐसे तो नहीं खाया जाता ना चाय के साथ, फिर नान को मैंने गर्म किया तवे पर घी लगाकर। तो जब गरम नान करके तवे पे घी लगाकर चाय के साथ खाया जाता है ना तो बहुत मज़े का लगता है, यम्मी, मेरा तो फेवरेट हो जाता है ये नाश्ता। अच्छा रात को हम लोगों ने चावल बनाए थे कल, तो वो भी थोड़े से चावल बचे पड़े थे। वो अब्दुल्ला जिद कर रहा था कि मुझे चावल छोले खाने हैं, मैंने कहा अच्छा भाई तुम चावल ना लेकर आना, सिर्फ छोले ले आओ और चावल जो है ना वो घर में पड़े हैं वो मैं तुम्हें गर्म करके दे दूँगी। तो ठीक हो गया, अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ नान गरम, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। अच्छा बात करते हैं थंबनेल पर। थंबनेल पे आपने देखा होगा कि मैंने अंबर की पिक्चर लगाई हुई है। तो आपको पता ही है कि आजकल है शादियों का सीज़न और हर तरफ से शादियाँ हो रही हैं, कहीं पे ढोल बज रहे हैं, कहीं पे कार्ड्स आ रहे हैं, तो हर तरफ जो है ना बहुत ही खुशी का समा है माशाल्लाह से। तो हमारे यूट्यूब पर भी खुशी का समा है, अब हमारी दो यूट्यूबर्स के घरों में है शादी, एक दूसरे के घर उनका रिश्ता हो गया है। तो माशाल्लाह से हमारी शुबाना आंटी जो हैं उनकी बेटी अंबर नाज ऑफिशियल जिनका चैनल है, माशाल्लाह से उनका रिश्ता हो गया, अभी उनका है निकाह। तो निकाह की वो वीडियो लगाती रहती हैं अपनी, जैसे ब्लॉगिंग वो करती हैं, तो उन्होंने निकाह का जोड़ा भी दिखाया तो लोगों के इतने को बैड कमेंट्स आए कि उन्होंने मतलब दिल बर्दाश्त होकर वो वीडियो ही रिमूव कर दी। तो यार मुझे देख के ना बड़ा अजीब लगा, दुख हुआ, बुरा लगा कि क्यों हम लोग बैड कमेंट्स करते हैं, क्यों हम लोग किसी की खुशी में खुश क्यों नहीं होते हैं। यार आप देखो मैं हूँ ना, अगर मुझे कोई चीज़ कोई लेकर आता है ना, कोई दिखाता है, अगर वो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, मुझे दिल में वो पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी मैं उस बंदे के सामने उसका दिल रखने के लिए कहती हूँ कि हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है, मतलब उसका दिल तो रख देती हूँ ना। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं अच्छी नहीं है, ये तुम महंगी लेकर आई हो, तो इस तरह से अगला बंदा हर्ट हो जाता है, उसको बुरा लग जाता है। तो अगले बंदे का दिल रखना सीखें आप लोग। तो मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है कि मैं जब बाज़ार जाती हूँ तो कभी मैं कोई चीज़ लेकर आ जाती हूँ, जैसे सूट कोई ले लिया, तो मेरी कज़न्स वगैरह या मेरी मामी चाची कोई भी जब वो देखते हैं ना तो वो कहते हैं नहीं ये तो तुम महंगा ले आई हो, मैंने तो ये फ़लाँ दुकान से इतने का लिया था, तुम लोग तो महंगा ही ले आए हो और ये कपड़ा भी अच्छा नहीं है। तो सच्ची मुझे बड़ी तप चढ़ती है और मुझे गुस्सा आता है, बुरा भी लगता है, हर्ट भी होती हूँ मैं कि भाई मैं इतने दिल से ये चीज़ लेकर आई थी और अगले बंदे ने की बात करके मेरा दिल ही ख़राब कर दिया। तो ये आदत जो है ना बड़ी बुरी लगती है मुझे, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं कहती, किसी के बारे में भी नहीं कहती। और जब शॉपिंग हो रही हो शादी की तो दुल्हन को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसमें ये है, ओल्ड फैशन है, ये वो। तो यार दिल रखना सीखो आप लोग। अगर उसने कोई चीज़ दिखाई दी है तो आप लोगों को चाहिए था कि
तारीफ कर देते, अगर तारीफ करने का दिल भी नहीं कर रहा था तो चलो चुप ही रहते, कमेंट करना ज़रूरी था कि नहीं अच्छा। प्लीज़ आप लोग दूसरों का दिल रखना सीखो, किसी का दिल तोड़ो मत। अगर आपके एक बात अच्छी बात करने से अगला बंदा खुश हो जाता है तो इसमें क्या हर्ज है, ठीक है ना। प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स आप लोग मत किया करें। आप अगर आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना, ठीक है आप लोग ना देखो, आप लोग कमेंट ही ना करो, ठीक है कुछ भी ना बोलो, लेकिन किसी के बारे में बुरा मत बोलें, अगला बंदा हर्ट हो जाता है। सीरियसली ये आप लोगों को नहीं पता, लेकिन ये मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं भी ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ कि मैं भी इस टाइम से गुजरती रहती हूँ, क्योंकि कमेंट जो है ना वो आते रहते हैं। और इसी तरह का कमेंट एक मुझे भी आया एक दो दिन पहले, मैंने देखा मुझे ये कहा गया कि भाई आप में तो कोई टैलेंट नहीं है और आप जो आगे आई हो यूट्यूब पर, थोड़ी सी आप कामयाब हुई हो, तो आप इसलिए कामयाबी हुए क्योंकि आप चल नहीं सकती, तो आप लोगों की हमदर्दी लेकर आगे बढ़ गई हो, तो आप समझ रही हो कि आप बड़ी कोई हुनरमंद हो या आप में कोई टैलेंट है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, भाई मैं जानती हूँ मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, मैं कोई ना अच्छा बोल सकती हूँ, ना मैं अच्छी दिखती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, मेरे में कोई स्किल नहीं है। लेकिन आप ये बताओ, क्या यूट्यूब वाले या आप लोग जो यूट्यूब की इस तरह की व्लॉगिंग्स वगैरह देखते हो, क्या आप लोग स्किल्स वालों को प्रमोट करते हो, क्या आप स्किल्स वालों को आगे आने देते हो? ठीक है, हम सितारा की बात, चलो सितारा को एग्जांपल ले लो, जब तक वो अपनी स्किल दिखाती रही, वो एक अच्छी ब्यूटिशियन है, वो मेकअप की वीडियोस लगाती रही, तब तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा, आप लोग उसको नहीं जानते थे, मैं भी उसको नहीं जानती थी, आप भी उसको नहीं जानते थे, और वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसने अपने हस्बैंड की बात बताई, और मतलब इस तरह से बताया कि मैं अपने हस्बैंड की खुद शादी करवा रही हूँ, और इमोशनली उसने जितनी वीडियोस बनाई, उन वीडियोस को देखकर उसके सब्सक्राइबर आप देखें किस तरह से बढ़े। और क्यों बढ़े? क्योंकि सबको उससे हमदर्दी हो गई, सब लोग उसको कहते हैं हो बेचारी के साथ कितना बुरा हो रहा है, तो किस बिना पर वो आगे आई? हमदर्दी के तौर पर। आप लोग स्किल वालों को आगे नहीं लेकर आते हो, और YouTube के जहाँ तक बात है, ये तो सिर्फ और सिर्फ लक की बात होती है, यहाँ पे स्किल्स वाले रुल रहे हैं और जिनकी किस्मत अच्छी है वो कामयाब हो गए हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अंबर को मैं ये कहूँगी कि यार अंबर आप ऐसी बातें दिल पे मत लो, खुश रहो, और अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे, जिस रिश्ते में तुम जुड़ रही हो अल्लाह करे ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हों। और ये शादी का मौका है, और इस टाइम पे वैसे भी बंदा बहुत इमोशनल हुआ हुआ होता है ना, कि एक नए रिश्ते में जुड़ रहा होता है, घर वालों को छोड़ के जाना है, मतलब चले रुकती अभी नहीं है, फिर भी जब निकाह होता है ना, मेन चीज़ तो निकाह ही होता है ना, तो जब निकाह हो रहा होता है ना, तो तभी लड़की को बड़ी दुखी फीलिंग आ रही होती है, तो इस टाइम में तो उसको खुशी की ज़रूरत है। आप लोग उसको इस तरह से हर्ट कर रहे हो, प्लीज़ उसको खुश रहने दें यार।